एक्सचेंज केंद्र की तीन एजेंसी होती है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, उनकी क्रेडिबिलिटी है एक, तो जब उसका राजनीतिक हथियार बनाया जाएगा तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इस वास्ते आज पूरी कांग्रेस पूरे देश में उतरी है, क्योंकि आज कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को बुलाया गया, वो एक माननीय नेता हैं और कोई मतलब नहीं उनका, तो इस वास्ते ये लगता है कि इन एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग, एजेंसियां अपना काम करें लेकिन एजेंसियों को राजनीतिक हथियार ना बनाएं। सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का, ईडी का, सीबीआई का, इनका दुरुपयोग विपक्षी दलों के नेताओं को तंग करने के लिए कर रही है। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी नेता, हमारी अध्यक्षा, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। इससे पहले राहुल गांधी जी से लगातार पूछताछ वो कर रही है, तो मैं समझती हूँ ये संवैधानिक संस्थाओं का पूरी तरह से दुरुपयोग करने का काम सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और ये संविधान के लिए भी सही नहीं है।